तो कल हम लोगों ने लेक्चर 7 में प्रकृति की चार अवस्थाओं के स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी और उनकी अनुसंगीयता यानी इनेटनेस, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और इनहेरिटेंस, उनको समझने का प्रयास किया था। और उनके इसको समझने के क्रम में एक एक शब्द को हम लोगों ने विश्लेषित किया था और इन अवस्थाओं में कैसे पूरकता है उसको भी देखा था। ये हम लोग के लिए एक होमवर्क के रूप में भी था कि जितने सारे शब्द आए कल की चर्चा में उसको हम एक बार देख। तो उन्होंने पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, इन चार अवस्थाओं में क्रियाओं को देखा था। इसकी स्वयं में व्यवस्था यानी धर्म यानी धारणा, इसको भी देखा था। और इनकी व्यवस्था में भागीदारी यानी संबंध यानी स्वभाव, इसको भी देखने समझने का प्रयास किया था। और अनुसंगीयता को भी समझने का प्रयास किया था। और ये दिखता है कि मानव की जो अनुसंगीयता है वो शिक्षा संस्कार के आधार पर है। मानव शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, इसलिए ज्ञानावस्था के लिए शिक्षा संस्कार एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और इतनी जांच परख के साथ तो अपने को दिखता ही है कि अल्टीमेटली जो उपलब्धि है वो ज्ञान समाधान है और वो मैं में होना है, शरीर उसके लिए साधन मात्र है। और ज्ञान समाधान के लिए शिक्षा संस्कार की अनिवार्यता है। इस बात को अगर हम साफ साफ देख पाते हैं तो फिर हम इस पूरी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को भी देख पाते हैं जी। इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। कोई शेयरिंग हो तो उसे अभी रहने देंगे। कोई प्रश्न हो तो कल इस पर उन्होंने काफी बात की है तो उसको रख सकते हैं। हाँ भैया, जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म और परम धर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें जो अनुसंगीयता है भैया वो कहाँ कनेक्ट हो रही है? इन सब के साथ है। अच्छा, इसमें हाँ इन सब के साथ होगा। मतलब ये जो परिणाम अनुसंगी है जी, तो परिणाम के आधार पर आचरण है। परिणाम में रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म सभी शामिल है। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें सभी शामिल है, इस पर सभी निर्भर हैं, ऐसा? निर्भर का मतलब क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएंगे, रूप और गुण में इसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे या इसमें रूप और गुण के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे, क्या निष्कर्ष कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुसंगीयता है उसके अकॉर्डिंग रूप गुण स्वभाव धर्म सबके अंदर चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस में आचरण दिखाई देता है कि जो आचरण है वो किस आधार पर है, तो परिणाम यानी उसके बनावट के आधार पर है। उस बनावट में उसका रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म सभी शामिल है। तो आचरण जो जा रहा है वो परस्परता में जा रहा है ना? तो रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म के आधार पर आचरण है और उस आचरण के साथ जो भी परस्परता में भागीदारी होगी उसके अनुसार नया रूप और गुण बनेगा। स्वभाव धर्म परम धर्म में कुछ होना नहीं है। जैसे शिक्षा मानव की बात करें, शिक्षा संस्कार के आधार पर मानव का आचरण है। जैसा संस्कार वैसा आचरण, वैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार का फल परिणाम आया, उससे नया संस्कार बना। ये साथ साथ है। अच्छा, और भैया जैसे हम कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार से ही ज्ञान की उपलब्धि है, तो हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण जिसमें कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे तो वहां संस्कार पढ़ना लिखना नहीं है। ये तो बात बहुत पहले ही कही गई ना, पढ़ना लिखना अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। हाँ, तो मतलब वो जो उस जहाँ हम ये शिक्षा की बात कर रहे हैं वो जो वातावरण में हो रही है उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं जिसे संस्कार निर्मित हो, वही है शिक्षा का मतलब। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। जी जी जी, वो वातावरण के आप प्रभाव में करें, खुद से करें, फॉर्मल एजुकेशन लेकर करें, पेरेंट्स के साथ बैठ के करें, मित्रों के साथ बैठ के करें, अल्टीमेटली जो सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो शिक्षा है। हाँ जी भैया जी, नहीं मेरा मतलब यहाँ पे केवल ये था कि जो हम जिस तरह से हम इस कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग इस पर अनपढ़ भी थे, कोई भी कंटेंट एक्सप्लोर इस तरह का कंटेंट एक्सप्लोरेशन नहीं था, फिर भी वो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। भाई एक्सप्लोर रियलिटी को ही तो करेंगे,
आप कंटेंट में भाषा बदल दीजिए, उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख दीजिए, चार अवस्थाओं को एक्सप्लोर यही तो करेंगे, जो अस्तित्व उसी को तो एक्सप्लोर करेंगे, और क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो हाँ भैया, तो उनकी सेल्फ की जो क्रिया है उसमें एक्सप्लोरेशन प्रोसेस पूरा जो जीवन के साथ जुड़ करके हो रहा है, तो उससे भी ज्ञान की उपलब्धि हो रही है, ये मीनिंग निकाल सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ द रियलिटी इसी से आप में भी होनी है, इसी से उनमें भी होनी है। अस्तित्व जी वही है, जी 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, 100 साल बाद भी यही होगा, और अल्टीमेटली इसी को देखकर, अस्तित्व की व्यवस्था को देखकर ही ज्ञान है। जी अब जी उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, ये तो हम उसको आप अनुमान लगा रहे हैं, बट जी अल्टीमेटली आदमी देखेगा तो मानव को समझेगा नहीं समझेगा, जी पौधों को समझेगा कि नहीं समझेगा, पशु पक्षी को समझेगा कि नहीं समझेगा कि नहीं। तो ये जो कंटेंट है ये हमें एक हेल्प करेगा उसके बारे में, थोड़ा सा डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, बाकी तो रियलिटी को तो हम एज इट इज वैसे भी देख सकते हैं अगर देखने की क्रिया शुरू हो जाए। हाँ देखिए, बहुत सारी बातें बहुत पहले स्पष्ट की गई हैं, हम सुन नहीं पाते कई बार, तो ये कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव है ना, शुरू से ही कहा जा रहा है, और जो अस्तित्व की व्यवस्था है उसके लिए प्रस्ताव है, उसमें शब्दों का चयन किया गया है, ठीक है ना, बार बार कहा जा रहा है कि एक फॉर्मुलेशन है, यही एक फॉर्मुलेशन है, ऐसा नहीं, तो भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न प्रकार से फॉर्मुलेशन किया गया, बट अल्टीमेटली फॉर्मुलेशन का जो कंटेंट होगा वो तो यही होगा ना, अस्तित्व ही होगा। तो अभी भी हम शब्दों में रुक जाते हैं, जो वास्तविकता उसको देखना है, आप उसको मानव कहें, ह्यूमन बीइंग कहें, मनुष्य कहें, ज्ञान अवस्था की इकाई कहें, देखना तो स्वयं को है कि नहीं। जी जी तो भैया, अब एक क्वेश्चन और था कि जो मनुष्य का शरीर भी है या जीवों का शरीर भी है, वो भी बीज अनुसंगी है शरीर, तो अवस्था में अनुसंगीता दिखाई देती है, फिर वही बात है ना, सेल्फ को अलग से और बॉडी को अलग से नहीं देख रहे, अवस्था की अनुसंगीता है, देखिए हर अवस्था के सामने अनुसंगीता रखा हुआ है। जी जी तो भैया, लेकिन उसका सेल्फ ही है ना यहाँ पर, तो जो शिक्षा और संस्कार अनुसंगी जो है वो हम सेल्फ की बात लिखा गया है, शिक्षा संस्कार अनुसंगीता लिखा गया है, अवस्था के लिखा गया, सेल्फ लिखा गया है, बॉडी के लिखा गया, किसके लिए लिखा गया है, ज्ञान अवस्था के लिए लिखा गया है। हाँ तो बस, तो जब मानव के रूप में आचरण कर रहे हैं, आचरण तो मानव के रूप में कर रहे हैं ना जी, फिर जो सामने लिखा हुआ है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जो कहा जा रहा है उसको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन शरीर भी तो साथ में जुड़ा हो, तो शरीर तो बीज अनुसंगी है और जो सेल्फ है वो ज्ञान इसका शिक्षा संस्कार अनुसंगी। शरीर तो भाई है ना, ऑक्सीजन और इससे कार्बन और है ना फेरस लोहा और इससे उससे सबसे मिलकर बना हुआ, अब एक एक की अनुसंगीता की बात करें तो वो बीजानुसंगी कहाँ हुआ, तो परिणामानुसंगी हो गया, शरीर भी तो इतने सारे धातु और धातुओं से मिलकर बना हुआ है ना। नहीं भैया, कहीं बात में आपने ऐसा बोला था कि ये जो बायो ऑर्डर में जाएगा शरीर, तो फिर तो बीज अनुसंगी हुआ ना। ठीक है, आप इस पे थोड़ा विचार करिए, क्या है अभी हम लोग सुनते नहीं पूरी बात को, अनुसंगीता अवस्था के अनुसार है, ठीक है जी जी ठीक है, बढ़िया भैया। भैया मुझे ना एक कल आप वो स्वभाव के तीन चीजें बता रहे थे, स्वभाव के बारे में कि इसमें ये तीनों मिलके स्वभाव बना हुआ है, तो एक बार भैया उसको दोबारा से बता रहे थे। क्या चीज? स्वभाव, स्वभाव के बारे में बता रहे थे ना कल दिया। हाँ, स्वभाव मतलब अपने से बड़ी भागीदारी। नहीं नहीं भैया, उसमें ना तीन चीजें बताई थी आपने कल स्वभाव में, कि इन तीन चीजों से मिलके स्वभाव बना हुआ है। स्वभाव बना हुआ है, या तो आप कल का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, तीन चीजें इसमें तो नहीं है, हमने तो एक एक अवस्था के स्वभाव के बारे में बात किया था। मैं सुन रही थी, फिर मुझे ना वो ध्यान नहीं आ रहा, वो उसमें तीन चीजें आपने बताई थी स्वभाव के साथ, तीन चीजों को अलग से बात कर लीजिए, अलग से बात कर लीजिए, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू को आगे लेके चलते हैं। ठीक है भैया जी, बढ़िया बढ़िया दीदी जी। तो मानव की भागीदारी क्या होगी इसको देखते हैं, तो ये दिखता है कि जो अस्तित्व में व्यवस्था पहले से बनी हुई है, प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है, उसको समझना और उसके अनुसार जी पाना, ये
मानव की भागीदारी है। तो अगर भागीदारी के रूप में देखते हैं तो दिखता है कि टू फैसिलिटेट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर द एक्टिविटी एटलीस्ट नॉट वायलेटेड ऑफ ऑल ऑर्डर्स, कि जो क्रियाएं एक एक अवस्था में हो रही हैं उन क्रियाओं को वायलेट ना करके उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, यानी यदि रचना विरचना हो रही तो उसको होने दें, है ना, कम से कम उसको बाधित ना करें, बात करें। वैसे ही टू फैसिलिटेट द इनेटनेस और एटलीस्ट नॉट वायलेटेड ऑफ ऑल ऑर्डर्स, तो हर अवस्था का जो धर्म है, जो धारणा है, उसको फैसिलिटेट करना, उसके अनुकूलता प्रदान करना, और कम से कम उसमें छेड़खानी नहीं करना, उसे बाधित नहीं करना। और वैसे ही हर अवस्था का जो इनहेरिटेंस अनुसंगीता है उसको फैसिलिटेट करना, कम से कम उसको बाधित नहीं करना, वॉलेट नहीं करना। तो अवस्थाओं में देखें तो चार अवस्थाएं, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। अब अगर हम पदार्थ अवस्था की बात करें, फिजिकल ऑर्डर, टू फैसिलिटेट इट्स एग्जिस्टेंस बाय इंश्योरिंग कंडीशन एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग और इंश्योरिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि हम पदार्थ अवस्था को देखते हैं तो दिखता है उसका जो धर्म है वो अस्तित्व है, बना रहता है, और जिसकी अनुसंगीयता है वो परिणामानुसंगी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसका आचरण है। कॉन्स्टिट्यूशन को बने रहने दें, है ना, उसको हम बिगाड़े नहीं। जैसे अगर धरती का उदाहरण लें तो धरती की एक बनावट बनी हुई है, धरती के अंदर लोहा है, खनिज है, है ना, ये तेल है, कोयला है, तब उसको बने रहने। ऐसा नहीं कि हमने इतना तेल निकाल लिया कि धरती का जो बनावट है वही बिगड़ गया, धरती के सतह पे तापमान बढ़ने लगा, या हमने इतने मिनरल निकाल लिए कि धरती की व्यवस्था ही बिगड़ने लगी। तो पदार्थों से हम देखें तो उसका जो बनावट है उसको हम बने रहने दें, कम से कम उसको बिगाड़े नहीं। प्राणावस्था में देखें तो दिखता है फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ बाय इंश्योरिंग कंडीशन एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग और इंश्योरिंग इट्स सीड, फॉर एग्जांपल सीड ऑफ राइस। तो इसका जो धर्म है वो पुष्टि है, और जो अनुसंगीता है वो बीज के आधार पर है। तो बीज के आधार पर जो अनुसंगीता है उसको हम बनाए रखेंगे, यानी बीजों को हम संरक्षित करेंगे, बीजों को हम नष्ट नहीं होने देंगे। जैसे उदाहरण के लिए रखा गया है कि हम धान के बीज को बनाए रखेंगे। जैसे ऐसा बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 12,000 प्रकार के धान हुआ करते थे 100 साल पहले। एक हिस्टोरियन है धर्मपाल जी, उन्होंने जो डेटा दिया है उसके अनुसार 12,000 प्रकार के धान हुआ करते थे 19वीं शताब्दी में। आज के दिन लगभग कई 100 प्रकार के धान ही मिलते होंगे। तो इतने सारे धान की जो प्रजातियां हैं लुप्त हो गए, और हर प्रजाति का अपना एक उपकार था स्वास्थ्य के अर्थ में। जब जैसा ऋतु हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके अनुसार हमने वो भोजन लिया, उससे शरीर का स्वास्थ्य बना रहा। वैसे जीवावस्था को देखें तो टू फैसिलिटेट केयर ऑफ द बॉडी बाय इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी एनवायरनमेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू इंश्योर इट्स विल टू लिव, मेंटेनिंग और इंश्योरिंग इट्स ब्रीड। तो उसकी जो धर्म है वो जीने की आशा है, जीना चाहता है, तो उसको जीने दें, पशुओं को जीने दें, पक्षियों को जीने दें, उनको जीने में हम कोई सहयोग कर पाए बहुत अच्छा, कम से कम जीने में बाधा उत्पन्न न करें, और उसके वंश को हम बचा कर रखें। ऐसे भी पशुओं और पक्षियों के बहुत सारे वंश जो है लुप्त प्राय हो गए हैं, अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, है ना, या तो संख्या बहुत घट गई है या फिर वो नष्ट ही हो गए हैं। ऐसे गौरैया पक्षी अब बहुत कम दिखाई देती है, गिद्ध बहुत कम दिखाई देता है, ना, चील बाज जो पहले कई जगहों पे दिखाई कम दिखाई देते हैं। अगर रॉयल बंगाल टाइगर को देखें तो बताते हैं कि 1901 में इसकी संख्या 50,000 थी लगभग, और अभी इसकी संख्या 2 से 2,500 के बीच में रह गई है। आज से 20 वर्ष पहले इसकी संख्या कुछ 100 में रह गई थी, है ना। तो फिर सरकार ने ध्यान दिया ताकि इनका वंश बढ़े। तो ऐसी गायों की प्रजाति है, उसके भी हम ब्रीड को बनाए रखें। कई संस्थाएं भी काम करी कि गायों की प्रजातियां बनी रहें, बहुत सारे गायों का ओरिजिनल ब्रीड भी कहीं कहीं बचा कर रखा गया है, जैसे साहिवाल गाय। कुछ संस्थाएं आपको मिलेंगे कि साहिवाल गायों की नस्ल को उन्होंने पिछले 100-150 साल से बचा कर रखा हुआ है, उसका अपना एक उपकार है। क्योंकि गाय को हम यदि उसके वंश को बना कर रखते हैं, उस शरीर की बनावट के अनुसार जो हमें भागीदारी उसको मिलती है, हमें जो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो उससे उपलब्धि होती है वो बना रहेगा, अदरवाइज बिगड़ जाएगा। वैसे मानव को देखें तो मानव में दिखाई देता है
कि टू फैसिलिटेट केयर ऑफ द बॉडी बाय इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी एनवायरनमेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो शरीर का हम ध्यान रखेंगे, उसका पोषण संरक्षण ठीक से करेंगे, और वैसे ही मानव में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, और इसको हम शिक्षा संस्कार पूर्वक पूरा करेंगे। तो इसमें हम शिक्षा संस्कार पूर्वक पूरा करते हुए एक स्वयं में ज्ञान और समाधान सुनिश्चित करने का काम करेंगे, और कैसे मानवीय परंपरा में हर मानव भागीदार है इसको हम देख पाएंगे, उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, तो ये भागीदारी दिखाई देती है। तो इतनी जो हमने बातचीत की, अब इससे हमारी समझ क्या बनती है? तो समझ बनती है कि हम पदार्थावस्था को नष्ट नहीं करेंगे, उसके अस्तित्व को बना रखेंगे। अस्तित्व वैसे भी बना ही हुआ है, परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं, है ना। हम अपनी आवश्यकता तो जरूर पूरी करेंगे, परंतु हम देखेंगे वापस कैसे रिप्लेनिश हो जाए। हमने मिट्टी से कुछ लिया, मिट्टी में उर्वरता बनी रहे, ऐसा नहीं कि मिट्टी को हमने इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया, उसकी उर्वरता को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया कि मिट्टी अनुर्वर हो गई, है ना, बंजर हो गई। हमने अच्छे खासे मैदानी भाग को रेगिस्तान बना दिया, बंजर कर दिया, या इतना ज्यादा हमने उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दिया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। जैसे पंजाब में अभी जिस तरह से केमिकल्स का प्रयोग हुआ है, तो टॉप सॉयल जो है करीब 1 फुट मिट्टी जो है पूरी बिगड़ गई है, उसके बाद पैदावार नहीं हो पाती जैसा बताते हैं, और उससे जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उसको जब हम खा रहे हैं, उसको खाने से हमें कैंसर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। एक ट्रेन ही चलती है बठिंडा से लेकर बीकानेर तक, जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, उसमें वो पेशेंट्स बैठ के जाते हैं, इनको कैंसर रोग है, उसमें कैंसर पेशेंट्स और उसके साथ एक सहयोगी के लिए फेयर को फ्री किया गया है। तो इतने कैंसर पेशेंट जाते हैं उसमें कि उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। वैसे कानपुर में देखा जाजमऊ एक एरिया है, जाजमऊ के पास बहुत सारे टैनरीज हैं जहाँ पशुओं को मारा जाता है और उसकी टैनिंग की जाती है उसके स्किन की। तो उसमें क्या करते हैं कि जो गंदा पानी है उसको मिट्टी में, धरती में वापस डाल देते हैं। तो अब अभी आज की स्थिति नहीं पता, परंतु आज से 15 साल की स्थिति ये थी कि उसमें जब कई बार हैंडपम्प चलाते थे तो उसमें से टैनिंग किया हुआ पानी निकलता था, गंदा पानी, और कई बार ऐसा हुआ कि जाजमऊ एरिया में लोग उस पानी को पी पी कर बीमार पड़ेंगे। लगभग हर साल का न्यूज था कि यहाँ बीमार पड़ गया, वहाँ बीमार पड़ गया, तो उन्होंने पानी को खराब कर दिया। उसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखेंगे, पानी को, मिट्टी को, है ना, पूरी धरती को, इसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखेंगे। प्राणावस्था की बात करें, बीजों को बनाए रखेंगे, बीज बने रहें, क्योंकि हर तरह के प्रजाति का अपना एक उपकार है, प्रकृति की व्यवस्था में अपनी एक भागीदारी है। पशुओं को देखें तो उनके वंश को बनाए रखेंगे, और मानव के लिए शिक्षा संस्कार की परंपरा को बनाए रखेंगे। शिक्षा संस्कार पढ़ना लिखना नहीं है, है ना। शिक्षा संस्कार का मतलब जो हम सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो ज्ञान समाधान के लिए काम कर रहे हैं, वही है जी। ये बात इतनी स्पष्ट है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छी चर्चा चल रही है, और मूल में तो मानव की नासमझी ही है, तो अगर मानव समझदार बनता है पूरी तरह से, अब वो नियमों में बंधता है, तो फिर वो प्रकृति को निगाह पसार के देख पाएगा। अभी तो कोई 1-2 साल का नहीं लगता, बल्कि हजारों साल की ऐसी परंपरा दिखती है कि जिसमें ना तो मैं मानव को देख पाया हूँ, इसलिए मानव में संबंध ना देख के ज्यादातर तैयारी हमारी विरोध की ही रही है। प्रकृति को भी मैं नहीं देख पाया, तो प्रकृति का जितना शोषण कर सकते थे, अब वो एक किस्म से एक असंतुलन की स्थिति तक पहुंच गया है। अगर ऋतु चक्र को देखें तो किस प्रकार से समुद्र में मेघ बनते हैं और हमारे आंगन तक बरसते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर हम बहुत गौर से देखें तो उसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम दिखता है। उस सिस्टम को हमने, जहां पेड़ पौधे नष्ट किए, पहाड़ नष्ट किए, नदियों का रेत निकाल ली, तो जिस प्रकार से हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, अब उसके परिणाम, जैसे अभी आप बोल रहे थे तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से जब एक बरगद का पेड़ नष्ट हो जाता है तो उससे जुड़ी हुई जितनी प्रजातियां हैं वो सब की सब नष्ट हो जाती हैं। अगर कोई एक शेर भी जंगल में नष्ट हो जाता है
तो उससे जुड़ी हुई भी कोई प्रजातियां हैं जो वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से अब ये समस्याएं आने वाली हैं, इसके मूल में मानव ही है, और मानव अगर समझदार बनता है तो फिर से हम प्राकृतिक नियमों को समझ सकते हैं, मानव संबंध को समझ सकते हैं, और फिर से हम मानवीय सभ्यता की ओर काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है जिसमें अब इस प्रकार से सोचा जा सकता है, सोचा जा रहा है कि जिसमें मानव केंद्र में है, मानव की समझदारी केंद्र। तो इतनी ही बात भैया मैं शेयर करूं। जी बढ़िया भैया, ठीक बात है। तो इस बात को अगर हम समझ लेते हैं, प्रकृति में अपनी पूरकता को अगर हम देख पाते हैं, तो उसके अनुसार हम जी पाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे हमने प्रकृति की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किया और उसमें फिर अल्टीमेटली हमें ही सफर करना पड़ा। ऐसा बताते हैं कि चीन में 1950 के दशक में बहुत सारे आंदोलन चले, जो वहाँ नए व्यक्ति बने माओ ज़ेडुंग, उनके दौरान कभी स्टील रिवॉल्यूशन, कभी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो एक समय सरकार ने देखा कि ये जो चिड़िया है, जो कीट पतंग हैं, ये हमारे फसलों का बहुत सारा हिस्सा खा जाते हैं। तो नासमझी में सरकार ने निर्णय लिया कि ठीक है, जो लोग चिड़िया मार कर लाएंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। तो ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे, फोटोग्राफ्स मिलेंगे, जिसमें लोग पक्षी को मार कर हाथ में पकड़े हुए लाइन में खड़े हैं ताकि उनको पुरस्कार मिले। और ऐसा साल भर चला और सरकार को लगा कि अब हमने इस बार अपनी पैदावार काफी बढ़ा ली पक्षियों को मारकर, वो जो हिस्सा खा रहे थे वो बच गया। दो साल बाद भीषण अकाल आया चीन में, उसमें करीब 1 करोड़ लोग मर गए। उसका कारण ये था कि पक्षी और ये कीट पतंग, ये सब जो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे फसलों में, है ना, वो नहीं हो पाया। तो अगले साल पैदावार कम हुई, उसके अगले साल पैदावार और कम हो गई। इस तरह की नासमझी हम लोग करते रहे। अभी लोगों ने ध्यान देना भी शुरू किया है। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल भी आया कि एक जगह एक जंगल है, वो वीरान हो गया था, बंजर होता जा रहा था। तो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ वहां गए, उन्होंने अध्ययन किया कि पहले जंगल में कौन कौन सी प्रजातियां थी। तो उन्होंने उसको स्टडी किया, तो जहां तक मुझे ध्यान है हायना एक पशु होता है जो पहले था और लोगों ने उसका शिकार कर लिया था। तो उन्होंने कुछ हायना छोड़ दिए उस एरिया में, और उसके बाद पाया गया कि 5 सालों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तो अगर लोग हायना को मार दें तो उसका एक पूरा चक्र है प्रकृति में, वन में पूरा एक चक्र है जिसको वो पूरा कर रहा है, वो बाधित हो गया। जी इसमें कुछ डेटा भैया ने शेयर किया, मुंजाल भैया ने, कि 20 करोड़ स्पैरो मारे गए 1958 में, और 1961 में 1 करोड़ लोग मर गए अकाल में। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने की हैं परंपरा में, अब हम समझ लें इसको, ध्यान रखें। आज के दिन भी हम लोग जिस तरह से बेतहाशा टावर पे टावर, मकान पे मकान बनाए जा रहे हैं, जल के संरक्षण का ध्यान नहीं है। तो अभी दिख ही रहा है कि चेन्नई को घोषित करने वाले हैं या घोषित कर दिया है कि वहाँ पानी नहीं है अब धरती के सतह के नीचे। हैदराबाद की स्थिति भी ऐसी होने लगी है। भोपाल एक अच्छी जगह है जहाँ पे एक बड़ा सा झील उन्होंने बना के रखा हुआ है, इसको छेड़ते नहीं है, इसके कारण पानी का तल बना हुआ है। बट ऐसी व्यवस्था हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में है नहीं। तो अगर हम सिर्फ पानी निकालते जाएं, शहरों में खूब पानी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, खूब बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, हम धरती से लेते जाएं, वातावरण से लेते जाएं, और उसको हम रिप्लेनिश ना करें, वापस लौटाएं नहीं, तो हम उसका फल परिणाम तो भुगतेंगे ही। तो अभी जिस तरह से यहाँ भी NCR में जिस तरह से टावर्स बन रहे हैं, अगर वाटर हार्वेस्टिंग ना करें हम, सिर्फ पानी लेते जाएं, ठीक है ना, और सारा आबादी शिफ्ट करके यहाँ रहने लगे, तो आने वाले 10-20 सालों में यहाँ पानी का अभाव होगा। फिर दूसरे जगहों से लाना पड़ेगा, फिर दूर की नदियों से लाना पड़ेगा, फिर नदियाँ सूखेंगी। तो ये सब अगर बातें हमको ध्यान में आती हैं तो कैसे एक एक अवस्था की अनुसंगीयता को बनाए रखना है, तो उसको हम ठीक ठीक पूरा कर सकते हैं। जी तो मानव की भागीदारी इस रूप में दिखाई देती है, प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा, एनरिचमेंट प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन यानी संवर्धन संरक्षण सदुपयोग शेष प्रकृति का। तो मानव में समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो, हम अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पूरा कर पाते हैं तो हमारे अंदर समृद्धि का भाव सुनिश्चित होता है, और इस प्रकार से होता है कि हम शेष प्रकृति का संवर्धन संरक्षण सदुपयोग कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं, तो उसका जो स्वत्व है, जो धारणा है, धर्म है, उसको हम संरक्षित रखते हैं।
तो पदार्थ अवस्था के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, प्राणावस्था की पुष्टि को बनाए रखते हैं, जीवावस्था के जीने की आशा को बनाए रखते हैं, और अपने बारे में बात करें तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को पूरा करने के लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं और उसकी अनुसंगीयता का संरक्षण भी करते हैं और संवर्धन भी करते हैं। तो यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो हम उसके बीजों का संरक्षण करते हैं, पदार्थावस्था की बात करें उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बनावट है, परिणाम है, उसका हम संरक्षण और ये करते हैं, संवर्धन करते हैं। ऐसी क्रियाओं का हम सदुपयोग करते हैं, अवस्थाओं की क्रियाओं का सदुपयोग करते हैं, और अगर इतना नहीं कर पाए तो कम से कम उसे हम बाधित नहीं करते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, प्रकृति से जितना लेते हैं उतना वापस दे देते हैं। इस विधि से प्रकृति संरक्षित रहती है, सिर्फ लेते जाएं और दे नहीं तो प्रकृति संरक्षित नहीं रहती। प्रकृति की बनावट ऐसी है कि जितने मनुष्यों की आबादी उससे अधिक पेड़ पौधों की संख्या है, तो हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे ज्यादा पेड़ पौधे उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बना रहता है, वातावरण संतुलन बना रहता है। बट यदि हम सांस भी छोड़ रहे हैं और हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ ही रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत सारी चीजें हम हवा में छोड़ने लगे। अब उसके लिए प्रकृति में व्यवस्था है नहीं, तो उसका हमको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि हम किसी विधि से इनकी या तो मात्रा को नियंत्रित करें या फिर ऐसी व्यवस्था करें प्रकृति सहज विधि से, ताकि हवा का जो संतुलन है वो बना रहे। तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं, हवा का संरक्षण होता रहे, पानी का संरक्षण होता रहे, मिट्टी का संरक्षण होता रहे, वनों का संरक्षण होता रहे। अभी अमेजन फॉरेस्ट में आग लगा दिया गया है, बताते हैं कि उसमें नीचे में बहुत सारा मिनरल है, इसको लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम एक बड़े भूभाग पर जंगलों को नष्ट कर देंगे तो उससे पूरा जलवायु परिवर्तन होगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, धरती का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र और महासागर का तल ऊंचा उठेगा, जब इनका तल ऊंचा उठेगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं है ना वो डूबने लगेंगे, जब वो डूबने लगेंगे तो फिर वहां रहने वाले लोगों को रिहायशी इलाकों के लिए मैदानी और पठारी भागों की ओर चलना पड़ेगा, पर्वतीय भागों में चलना पड़ेगा, फिर झगड़ा होगा, रहने के लिए मकान कम पड़ेंगे, जगह कम पड़ेगा, जहां रहेंगे वहां भोजन पानी कम पड़ेगा। ये सब देखने की बात है। समुद्र है, समुद्र की अपनी एक बनावट है, समुद्र में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, जीव जंतु हैं। अगर हम उनको नष्ट करते जाएं अपने मनोरंजन के लिए, स्वाद के लिए, तो समुद्रों की व्यवस्था बिगड़ रही है। बता रहे हैं आज के दिन बहुत दूर तक जाना पड़ता है मछली पकड़ने के लिए, और उसमें हमने पूरे समुद्र की व्यवस्था बिगाड़ दी है, उसके कारण भी समुद्र के कल्चर पे प्रभाव पड़ रहा है। अब उनको लगता है समुद्र तो समुद्र है, उसका कल्चर बिगड़ने से हमें क्या लेना देना, बट इसके जो इनडायरेक्ट परिणाम आते हैं वो फिर समझ में आता है, कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो प्रकृति की व्यवस्था को हो सकता भी हमने ठीक से समझा नहीं है, और नहीं समझा तो कम से कम छेड़छाड़ तो ना करें जब तक समझ में ना आ जाए। ग्लेशियर के पिघलने से हमें क्या भाई, हम तो भारत में रहते हैं, अंटार्कटिका तो बिल्कुल दूर कहीं साउथ में है, आर्कटिक कहीं दूर नॉर्थ में है, बट वहां पे यदि कोई हम परिवर्तन करते हैं तो भारत पे ही प्रभाव पड़ेगा, चीन पे ही प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पे ही प्रभाव पड़ेगा। ये सब बात सोचने की है ना, जितना इसको हम समझ पाएंगे उतना हमारा जीना ठीक हो पाएगा, उतना हमारे संस्कार में परिमार्जन हो पाएगा। तो जितनी बात हम लोगों ने की, तो अगर फिजिकल ऑर्डर की बात करें जहाँ मिट्टी हवा पानी है, तो उसमें हम इनेटनेस को, उसके धर्म को संरक्षित रखेंगे, जैसे धरती के परिणाम को, धरती की बनावट को हम संरक्षित रखेंगे। प्राणावस्था की बात करें जहाँ पेड़ पौधे हैं, तो हम उसके इनेटनेस को, जो एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ है, जो बना रहता है और पुष्ट होता रहता है, उसको हम संरक्षित रखेंगे। तो उसमें हम खाद पानी डालेंगे, यदि हम मिट्टी की बात करें खाद पानी डालेंगे ताकि पेड़ पौधे पुष्ट होते रहें, पेड़ पौधों की पुष्टि को बाधित नहीं करेंगे, और वैसे उसकी बीज की अनुसंगीयता को बना के रखेंगे। जीवावस्था की बात करें तो उसका जो इनेटनेस है, विल टू लिव, जीने की आशा, उसके हम बना के रखेंगे। तो प्रजाति हम पोचिंग नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, पशुओं का शिकार जो हम जिस तरह से करते जाने, 100 साल पहले अगर आप देखें तो शिकार बहुत ज्यादा हुआ हमारे देश में। अंग्रेज जो आते थे बाहर से, उसका एक मेजर कारण ये बताते हैं कि कई लोग मनोरंजन के लिए शिकार करने आते थे,
उसमें बताते हैं, कुछ किताबें हैं लिखी गई हैं, कई अंग्रेज उसमें मरे भी है ना, कई घायल हुए। एक सामान्य सा दृश्य था, अगर आप पुराने किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी या वीडियो को देखें तो लोग अपने घरों में शेर की छाल या शेर को मारकर उसके अंदर कुछ है ना सामान भर के भूसा भर दिया और उसके पूरे आकृति को बना के रखे हुए हैं। ये सब एक प्रचलन में था, उसको काफी नियंत्रित किया गया है, अदरवाइज पशुओं का शिकार काफी किया गया, अंग्रेजों ने काफी शिकार किया हमारे देश में, उनका बंदूकें थी, शिकार उससे ज्यादा आसान हो गया था और बंदूकों को लेकर उन्होंने बहुत शिकार किया, इससे हमारे यहाँ बहुत असंतुलन हुआ। ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके नष्ट होने में अंग्रेजों का एक मेजर रोल रहा, तो हम उनके विल्टी लुक को जीने की आशा को बना के रखेंगे, उनके लिए हम पर्याप्त जंगल की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं हम जाकर रिहायशी इलाके बना रहे हैं, रहना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ जो पशु पहले से रह रहे थे उनको भी हम शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। अभी एक तेंदुआ लखनऊ में घुस गया था घरों में, करीब एक हफ्ते तक परेशान किया लोगों को, फिर उसको पकड़ के डाला गया कहीं पर है ना चिड़ियाघर में या फिर कहीं जहाँ पे उनका संरक्षण दिया था वहां रखा गया। बट तेंदुआ हमारे घर में क्यों घुसा ये समझने का मुद्दा है, हम उसके घर में घुसे हैं बेसिकली, तो जब हम उनके घर में घुस रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करें कि नहीं। आप किसी घर में जाकर रहने लगे और उसको कोई ठौर ठिकाना ना दें तो अगला व्यक्ति कहाँ जाएगा। अभी हम लोग खेती के लिए जिस तरह से अधिक जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो नीलगायों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नीलगाय खेतों में घुस आते हैं, तो नीलगायों के लिए व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी शहर, गांव, कस्बा, जिला में कम से कम इतना जगह हो जहां वन्य पशु रह सकें, उतने एरिया को हम संरक्षित रखेंगे, उसको कई बार फॉरेस्ट रिजर्व भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट रिजर्व एक बड़े भूभाग में कहीं कहीं तो है परंतु जिले के स्तर पर नहीं है। हम इतने तालाब झील बना के रखेंगे, उसकी भी कमी होती जा रही है, इतने कुएं पोखर बना के रखेंगे, अभी हमने सारे पोखर पाट दिए उसमें मकान बना लिए, कुओं को पाट दिया मकान बना लिए, झीलों को पाट दिया मकान बना लिए, तो उससे कठिनाई तो हमें ही होगी ना। फिर उनके हम वंश को संरक्षित रखेंगे है ना, जैसे गाय की बात है, शेर की बात है, हायना की बात है। अभी भारत में भी 4 तेंदुए लाए गए थे, 4 या 5 तेंदुए लाए गए थे, बट बता रहे हैं शायद उनमें से 1 या 2 मर गए हैं। तो ये जरूरी है कि हम जंगलों की जो व्यवस्था उसको बना कर रखें। ज्ञान अवस्था की बात करें तो इसमें भी जो हमारा इनेटनेस है कि हम निरंतर सुखपूर्वक जीना की आशा रखते हैं, तो उसके लिए हम समाज में ऐसी व्यवस्था करेंगे, शिक्षा संस्कार की व्यवस्था करेंगे ताकि हम व्यवस्था को समझ पाए, व्यवस्था को जी पाए, और फिर हम उसके अनुसंगीयता जो है शिक्षा संस्कार उसके लिए एक परंपरा के लिए काम करेंगे। तो ये भागीदारी दिखाई देती है ना। अब इसमें हम अभी देखना शुरू करें कि हम व्यक्तिगत स्तर पर हम बैठे हुए तो सरकार के या सिस्टम के बारे में बहुत सारी समीक्षा कर सकते हैं, परंतु हम अपने स्तर पर इन चारों अवस्थाओं के लिए क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति है दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने घोंसले बनाए हैं बहुत सारे, तो बताते करीब 1.5 लाख घोंसले अभी तक बना चुके हैं पक्षियों के लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि जहां भी हम रह रहे हैं पेड़ों पे कुछ घोंसले बनाकर हमें रख दिए ताकि पक्षियों को रहने का जगह मिले है ना। पक्षियों के लिए हम लोग दाने भी प्रोवाइड करते हैं, कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है, यहाँ नोएडा में कबूतरों के लिए दाना डालने का एक अच्छा अभ्यास है, कुछ स्पॉट बन गए हैं वहाँ, कुछ लोग उसको कमर्शियली भी एक व्यवसाय बना लिए हैं कि सुबह दाने लेके जाते हैं, बैठते हैं, लोग उनसे दाने लेकर डालते हैं कबूतरों को, तो कबूतरों को आहार तो मिल रहा है। वैसे हम देखें गौरैया के लिए, मैना के लिए, मैना तो नहीं दिखाई देती यहाँ पे कम से कम NCR में, गौरैया फिर भी कभी कभी दिख जाती है, मैना के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा आहार लेते हैं, वो आहार है ना उनको उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे कीट पतंगों को खाते हैं कई, अब हमने इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दिया कीट पतंग सब मर गए, छोटे छोटे कीड़े मर गए, या है ना अभी जिस तरह से पोखर तालाब होते थे वहाँ बहुत सारे कीट पतंग अपने आप मिलते थे, पोखर तालाब चले गए कीट पतंग नहीं रहे, तो इन पक्षियों को कैसे आहार मिलेगा, इस पर हम विचार करें, हम देखें इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। अभी हम जमीन अलग से निकाल रहे हैं कूड़ा का ढेर इकट्ठा करने के लिए, गाजियाबाद में कूड़ा का ढेर इतना ऊंचा बन गया है कि दूर से देखने पर लगता है कोई हिल स्टेशन है कि नहीं, अभी वो नोएडा में भी एक बनाया जा रहा है, तो हम जहाँ कूड़े का ढेर बना रहे हैं वहां तालाब और पोखर भी बनाए, इतना तो करना बनता है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव सब लेने जरूरी है ना, कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि समझ जाएंगे तो कुछ करेंगे क्या, फिर हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, अभी उल्टा होगा,
समझ जाएंगे तो ज्यादा शोध करेंगे, हम ठीक शोध करेंगे, प्रकृति की व्यवस्था के अर्थ में शोध करेंगे। अभी तो मनमानी के लिए शोध करते हैं ज्यादातर, हथियार बना लो, कॉस्मेटिक्स बना लो, यंत्र बना लो, ताकि हमारे शरीर से कम श्रम हो, विरोध के भाव को हम अधिक से अधिक पूरा कर पाए, है ना, संवेदना अधिक से अधिक अनुकूल मिल जाए। अब इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमको ये चारों अवस्थाओं की व्यवस्था समझ में आती है तो इसके लिए रिसर्च करेंगे कैसे इसको हम अधिक फुलफिल कर पाए, जो हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया उसको कैसे हम फुलफिल कर पाए वापस। कुछ इंतजाम किए भी गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे नियम बनाया गया, ग्लोबली बनाया गया है, इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, CSR। हर कंपनी को अपनी आय का 2% CSR पे खर्च करना है। तो उसके तहत भी कई जगह वनों का संरक्षण हुआ है, पशु पक्षियों का संरक्षण हुआ है, या फिर समाज के विकास के लिए कुछ काम किया गया है। ये भी सुनने में आता है कई कंपनीज हैं जो 2% ही नहीं बल्कि एक बड़ा हिस्सा लगाते हैं, इसका कोई मुझे पढ़ने में तो नहीं आया है, परंतु काफी ऐसा बताते हैं कि 30-40% तक खर्च करते हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए या मानवों के स्वास्थ्य के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये भी अप्रिशिएट करने योग्य बात है कि इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो हम समाज का जो समीक्षा करेंगे तो दोनों ढंग से देखेंगे, जो नुकसान कर रहा है मनुष्य वो भी देखेंगे और जो मनुष्य उपकार कर रहा है उसको भी देखेंगे। उससे हमको उत्साह भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। तो होमवर्क रूप में देखें इतनी बात जो हमने की, तो जैसे हम कोई इकाई ले लें, मान लीजिए कोई फल ले लिया और फिर हम देखें इसका रूप क्या है, जैसे अमरूद है, इसका रूप क्या है, तो देखने में कैसा लगता है ना, पता लग गया। इसका गुण क्या है, परस्परता में प्रभाव क्या है, तो जैसे हम इसको कंज्यूम करें परस्परता में क्या प्रभाव है। तो अमरूद को आप ऐसे खा लीजिए तो एक तरह का प्रभाव होता है, उसमें थोड़ा सा नमक लगा खाइए अलग तरह प्रभाव होता है, रात को खाइए अलग तरह प्रभाव होता है, सुबह खाइए अलग तरह प्रभाव होता है। ये सारा प्रभाव है जो समय के साथ साथ बदलता है। अगर आपकी तासीर कफ की है तो एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, अगर आपके शरीर की तासीर बात की है तो अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, पित्त की है तो अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। इसका विधिवत बहुत सारा अध्ययन किया गया हमारे यहाँ शास्त्रों में और विश्व भर में किया गया है। आयुर्वेद में देखिए तो बहुत गहन अध्ययन है, मतलब बहुत गहनता से हमारे देश में अध्ययन किया गया। हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा है अगर उसमें आप देखें तो इन चीज़ों पे ना बहुत बारीकी से लोगों ने ध्यान दिया है, शरीर की व्यवस्था पर, प्रकृति की व्यवस्था पर कि नहीं, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ क्या खाना उचित है क्या खाना उचित नहीं है, शरीर की स्थिति के अनुसार क्या खाना उचित है क्या खाना उचित नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया तो उसने पाया कि युद्ध में भारतीय जल्दी थकते नहीं है और ये लोग थक जाते थे, जो यूनानी थे थक जाते थे। तो उसने पता करवाया तो पता चला कि भारतीयों में एक परंपरा बनी हुई है कि जैसा ऋतु होता है उसके अनुसार अनाज लेते हैं, आहार लेते हैं, और जैसा ही शरीर में कोई कठिनाई हो, सर्दी जुकाम हो गया, है ना, पेट बिगड़ गया, सांस फूल गया, कुछ भी ऐसा हो गया, उसके अनुसार आहार बदल लेते हैं। तो सिर्फ आहार के परिवर्तन से या लंघन की एक परंपरा रही है, भोजन छोड़ देने से लोग अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, अलग से दवाएं और औषधियां लेने भी नहीं पड़ती, केमिकल लेने का तो हमारे यहाँ प्रचलन ही नहीं रहा कभी। तो लंघन भी एक है, लंघन मतलब भोजन छोड़ दिया, शरीर में कोई व्याधि है कोई रोग है, भोजन छोड़ दिया उस समय। तो आप पाएंगे कि जो भी हम आहार ले रहे हैं उसका शरीर पे भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से प्रभाव पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कोई एक फल लिया हमने, है ना, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको हम देख सकते हैं। स्वभाव क्या है, तो फल लिया है किस अवस्था में आएगा देख सकते हैं, उसका स्वभाव निश्चित है। ये अमरूद केला आम से नहीं बदलेगा, प्राणावस्था की इकाई है, उसका स्वभाव निश्चित है, सारक या मारक होगा, है ना। तो जो भी होगा सारक मारक के अर्थ में होगा, कहीं पे सारक होगा कहीं पे मारक होगा, इतना भर हो सकता है जी। अश्विन जी ने यूनानी हुआ करते हैं, ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर था वो ग्रीस का शासक था, तो यूनान कहते थे उसको। फिर उसके हम धर्म को देख सकते हैं, धर्म क्या है, पुष्टि है, तो अगर उसमें श्वसन हो रहा हो तो पुष्ट होगा। तो आप देखेंगे अमरूद को लाते हैं कच्चा और धीरे धीरे पक जाता है, कुछ परिवर्तन हुआ ना, उसका सहस्तित्व बना हुआ है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, पशु पक्षियों को देख सकते हैं। तो ये एक होमवर्क होगा, आप चारों अवस्थाओं में 5-5 उदाहरण लिख लीजिए और उन 5-5 उदाहरण के लिए ये चारों बातें लिखिए,
इसमें रचना विरचना क्या हो रही है, इसकी धारणा क्या है, स्वभाव क्या है और उसमें अनुसंगीयता क्या है। फिर उसमें हम ये भी देखें उसका रूप क्या है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। तो हर अवस्था के लिए 5 उदाहरण ले लिए, उनके रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म का अध्ययन कर लिया है ना, अनुसंगीयता का अध्ययन कर लिया। तो ये हम करें, ये हमारे क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं पे अगर ये कोर्स पढ़ाने वाले हैं तो ये बिल्कुल उपयोगी होगा, बच्चों से आप ऐसे एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अल्टीमेटली 9 चीजें ही समझने के हैं, मुद्दे 9 हैं समझने के। एक तो चारों अवस्थाओं का धर्म, चारों अवस्थाओं का स्वभाव और सह अस्तित्व, ये समझने का मुद्दा है। अनुसंगीयता जो है वो हमें कल्पनाशीलता में स्पष्ट होता है। अनुसंगीयता इस प्रकार से है, ये चिंतन बोध अनुभव की वस्तु नहीं है अनुसंगीयता, ये बात ध्यान देने की है। वो हमको कल्पनाशीलता में स्पष्ट होता है। तीसरी बात जो कही जा रही है असाइनमेंट में वो ये है कि अभी हम देखें कि हम अपनी भागीदारी कैसे पूरा कर रहे हैं, पदार्थ अवस्था के साथ, प्राण अवस्था के साथ, जीव अवस्था के साथ, ज्ञान अवस्था के साथ। तो जो पदार्थ हैं उनके साथ हम कैसे भागीदारी कर रहे हैं, हम एक मोबाइल लाते हैं उसका हम कितने दिनों तक सदुपयोग करते हैं, या आउट ऑफ फैशन होने के बाद हम उसको हटा देते हैं, ठीक, या जरा सा उसका स्क्रीन डैमेज हो गया हमने हटा दिया, या हम उसका सदुपयोग करते हैं, स्क्रीन बदलवा करते हैं, कवर बदलवा करते हैं। तो हम कैसे भागीदारी कर रहे हैं पदार्थ अवस्था के साथ, प्राण अवस्था के साथ, वैसी पशु पक्षियों के साथ, वैसी मनुष्य के साथ, यानी अपने पड़ोसी के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ये सारा कुछ हम अध्ययन कर सकते हैं। ये असाइनमेंट रहेगा आज के लिए, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, इसको पूरा करें। जी कुछ मैसेज है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जी बायोमिमिक्री है, बायोमिमिक्री एक नया फील्ड है डिजाइन का, परंतु उसमें आप देखें तो अल्टीमेटली जो इनोवेशंस कर रहे हैं उसमें रूप और गुण वाला भाग ही ज्यादा है, या रूप का ही भाग ज्यादा है, ठीक है। तो बायोमिमिक्री मगर अध्ययन तो कर सकते हैं। जी अर्चना जी ने कहा कि जुगनू भी कम दिखाई दे रहा है, एजेंडा 21 चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चीता अश्विन जी कह रहे हैं चीता लाया है, ओके नॉर्थ तेंदुआ, अच्छी बात है। ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं, तो उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक ये कहना था, हम लोग इधर बीच अपने घर के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और कॉलेज के लिए करवा रहे थे, तो ये समझ में आया कि पहले की हमारी जो परंपराएं थी कुएं की, जिसमें कि वो पानी छन कर करके अंदर जाता भी था और छन कर करके वापस ऊपर आता भी था, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस था वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वो फिल्ट्रेशन का, जो कि आज जो है हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन के लिए आरओ क्या कहते हैं मशीन्स अपने घर में लगाए हुए, जिनका की खर्च इतना ज्यादा है। तो एक तो ये कहना था, दूसरी चीज है कि हम लोगों ने अभी जो तालाब की चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने अपने जो पहले की जो प्राकृतिक और हमारे जो पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया हुआ था, वो जमीन के ढलान के हिसाब से पानी जो है जिधर से बहता था और उसके मतलब जमीन के स्वभाव के हिसाब से जहाँ एकत्रित होता था वहां उन्होंने तालाब और वाटर चैनल्स जो है पैन और बाहा के रूप में उन्होंने बना रखे थे कि उन वाटर चैनल्स के माध्यम से वो होता था। हमारे क्षेत्र में तो हम यह देख रहे हैं कि उन सारे जो वाटर चैनल्स हैं उस पे तो अब रोड बन गई हैं। अब समस्या है कि पानी के आउटलेट के लिए, क्योंकि वो तो जहां जमीन का ढलान होगा उसके अनुरूप जब अधिक पानी होगा तो वो बहेगा ही बहेगा, लेकिन जब उसके जो जो उसका जो जर्नी है वो अगर रुक जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो फिर वो बाढ़ की स्थिति तो आनी ही आनी है। तो यही कहना था भैया कि हम लोगों ने ना समझी में और ये विकास के मतलब जो अवधारणा हमारी एक बनी है, तो उसके चक्कर में
अपने पूर्वजों का जो उनकी जो सोच थी और उसके तहत हमारी जो व्यवस्थाएं थी उनको तो हमने बिल्कुल निरादर कर दिया, बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। और आज जो है वो सारी स्थितियां बन रही हैं कि तालाब को पाट दो, घर बना दो, सब कुछ कर दो, तो फिर को मतलब वाटर लेवल डाउन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये बस शेयर करना था, धन्यवाद। जी जी बढ़िया दीदी, नमस्ते। जैसा कि आज भी हमने आपने जो शेयर किया, तो आज हम लोग पर्यावरण को यदि देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज अभी जो है ये तो अभी हो चुका है। अब तो हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि अब क्लाइमेट चेंज होगा, या अभी तो जलवायु परिवर्तन काफी गति से होने लग गया है। और इसीलिए यदि हमें हमारा मानव करके हमारा जो खुद का अस्तित्व है इस पृथ्वी पर यदि उसको बनाए रखना है, तो जो हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के तहत हम लोग सीख रहे हैं कि हमारी जो पर्यावरण के प्रति भागीदारी है इसको अभी हर एक ने एकदम सीरियसली हमने ले लेना चाहिए कि हमने हमारी भागीदारी में काफी कमी कर दी है कई सालों से। और अब लोग हम लोग जैसे तैसे कहीं जो समस्याएं आ रही है मानव को उससे हम लोग समझ पा रहे हैं, और अब लोग हम जान रहे हैं कि अभी हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर एक हमने प्रत्येक व्यक्ति ने यदि सोच लिया कि मैं पर्यावरण के प्रति मेरी भागीदारी को मैं निभाऊंगा, तो हम लोग काफी सारा काम कर सकते हैं। बस यही शेयरिंग के लिए मैंने आप मेरी बात रखी थी। हाल ही में मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण मित्र कैसे बने, इस दोनों विषयों पर अभी मैंने 22 मार्च को जिस दिन जल दिन था हमारा उस दिन दो किताबें इसलिए पब्लिश की है। और इस एरिया में हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई अलग अलग संस्थाओं के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। बस इतना ही शेयरिंग मुझे यहाँ रखना था। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हम में से कई साथी होंगे जैसा अभी दीदी बता रही थी, आप भी बता रहे हैं, जो प्रकृति के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे होंगे, बहुत सारी भागीदारी कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि वैसे आपने बता दिया है, और सारक और मारक एवं अनुसंगीयता में थोड़ा सा और अंतर क्या है ये बता दो। अनुसंगीयता का मतलब है कि जैसे एक इकाई से दूसरी इकाई या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आचरण जाता है उसको अनुसंगीयता कहते हैं। मतलब अनु मतलब पीछे, तो पीछे पीछे चलना। जैसे पौधा है, एक पौधे के बाद दूसरा पौधा पनपेगा, तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जो आचरण गया उसको अनुसंगीयता कहेंगे, है ना। हमने पदार्थ की कोई रचना बनाई, एक रचना से दूसरी रचना में जो आचरण जाएगा, तो जैसे कार्बन की एक रचना है, ऑक्सीजन की एक रचना है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो एक रचना से दूसरी रचना में जो आचरण जाएगा उसको अनुसंगीयता के रूप में अध्ययन करेंगे। वैसे जीवावस्था की बात करें तो शेर के बच्चे से शेर से शेर के बच्चे में जो आचरण जाएगा उसको अनुसंगीयता कह रहे हैं। वैसे मनुष्य की बात करें, है ना, तो माता पिता से बच्चे में जो आचरण जाएगा, तो अनुसंगीयता मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे ट्रांसफर होता है। तो माँ बाप समझदार जिम्मेदार होंगे तो बच्चे में भी समझ विकसित होगी, शिक्षक समझदार होंगे बच्चों में समझ विकसित होगी। तो अनुसंगीता मतलब ये है कि किसको किसके आधार पर आचरण तय हो रहा है। जी जी। और आपने बोला कि ये कल्पनाशीलता में चलती है, मतलब वो इसीलिए है ना कल्पनाशीलता। चिंतन बोध अनुभव की वस्तु नहीं है। हाँ, तो कल्पनाशीलता में जैसे शिक्षा संस्कार अनुसंगीत संस्कार जो भी बन रहे हैं, जो आपने शिक्षा ली वो समझ में हुआ और उसके आधार पर जो संस्कार तैयार हुआ वो कल्पनाशीलता में है ना, उसके अनुसार आपका आचरण तय हुआ। जी भैया। और मतलब सारक मतलब पुष्ट करना, मारक मतलब शुष्क करना, उसके लिए शायद पहले भी प्रश्न आया था कोई। जी जी, समझ में तो आ गए, बस दोनों का अंतर नहीं समझ पा रहे। सारक मतलब नर्चर करना, मारक मतलब वर्षण करना, शुष्क करना। जी। तो जैसे हम कोई चीज खाते हैं या तो शरीर को पुष्ट करेगा या शुष्क करेगा। हमने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया तो शरीर को सुखा देगा, शरीर की हानि होगी। अगर हमने कोई पौष्टिक चीज खाया तो शरीर को पुष्ट करेगा। जी बिल्कुल। जी भैया। जी थैंक यू भैया, समझ में आ गया।
भैया शेयरिंग ही है, शेयरिंग करूं क्या? अभी रहने देते हैं, कुछ प्रश्न हो, जितनी बात रखी गई उसको लेकर प्रश्न हो तो रख लीजिए। प्रश्न तो भैया यही आ रहा है कि मानव समझदार समाधानित जब होगा तभी काम चलेगा, और ये होगा कब? बहुत धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। तो ये मानव की नहीं अपनी बात करते हैं कि हम सुखी होंगे जब समाधानित होंगे। हम कब होंगे हम ही को तय करना, क्योंकि हमारे निर्णय से होगा। वो पूरी मानव जाति की बात करेंगे तो उसमें अब हम नहीं कह सकते, परंतु अपनी बात तो हम कह ही सकते हैं ना। बिल्कुल भैया, कई बार क्या होता है कि हम समाज की स्थिति के ऊपर अपनी स्थिति को निर्भर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको अपने में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करने का कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई देता है, अपने आप में पूरा करते हैं। हम पूरा करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनको हम मार्गदर्शन दे पाते हैं, गाइडेंस दे पाते हैं तो उनको मिलती है। तो ये हमको अपने को केंद्र में रख के देखना है कि मेरे में समझ विकसित हो रही है कि नहीं। तो अगर हम पूरे मानव जाति की बात करने लगते हैं फिर लगता है कब होगा कब नहीं होगा, परंतु यदि अपनी बात करें तो हमको दिख सकता है कि हाँ हमको दिन भर में इतना समय तो लगाना है, नहीं तो नहीं होगा, वो हम काम पूरा करेंगे फिर। जैसे विद्या से मेरा परिचय 4-5 साल पहले हुआ था, तो 2017-2004-5 में हमने बायोगैस लगा लिया था खेत में, और 10-12 साल पहले ये वाटर हार्वेस्टिंग वाला ट्यूबवेल भी लगा लिया। लेकिन विद्या से परिचित होने के बाद हमने 2 बड़े-बड़े बोर भी कर दिए। तो अब समझ तो ये है, ज्यादा से ज्यादा धन आए हमारे पास, जो जितना नुकसान हो रहा है वहां तक जा नहीं रहे। ये भैया आचरण में जब आएगा तभी होगा जी भैया। नहीं आचरण में ऐसे नहीं आएगा जी, अपने को लाना होगा है ना, मतलब ध्यान देना होगा, समझना होगा, तभी आएगा। वो कुछ भैया प्रभावित भी हो जाते हैं ना समाज से, दूसरे दृष्टिकोण से। तो जी अभी इसको शेयरिंग को थोड़ा भी रहने देते। बढ़िया, तो जितनी बात आज हुई उसको लेकर हम अपने आप में जांच परख करें, और आज ये असाइनमेंट है जो सामने लिखा है।